हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हेल्पिंग हैंड्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने वर्क के डॉक्यूमेंट में डबल लाइंस को ऐड कर सकते हैं। मैं दो यहाँ पे आपको जो है वो प्रोसेस दिखाऊंगा कि टू टाइप से, दो रीति से आप कर सकते हो। एक शॉर्टकट रीत है और एक थोड़ा कस्टम, एक दूसरी जो टाइप है उसमें आप कस्टमाइज भी अपने लाइंस को कर सकते हो। ओके, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना, बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि ऐसे कुछ नए वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, बिना टाइम गवाए हुए मैं स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से डबल लाइन को ऐड किया जाता है। पहले मैंने जैसे बोला था कि मैं शॉर्टकट वे बताऊंगा, तो आपको आपके जो कीबोर्ड है उस पे वहां पे जाके आपको सिंपली जो आपका इक्वल टू का साइन है उसको 3 बार प्रेस करना है। 1, 2, 3। जब भी आप यहाँ पे जो 3 बार वो कीप को प्रेस करोगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही हमने ये कर लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, सिर्फ आपके कीबोर्ड पे एंटर बटन है उसको प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये हमारी लाइन ऐड हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं या तो फिर दूसरा जो वे है उसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, मैं दिखा देता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और लाइक भी करते रहना, साथ साथ में कमेंट करना जरूर भूलना मत। ओके, इंसर्ट मेनू पे आप चले जाओ और इंसर्ट मेनू पे जाने के बाद आपको शेप्स दिखाई देगा। शेप्स पे एक बार क्लिक कर लो, वहां से आपको ये लाइन है उसको एक बार सिलेक्ट कर लो। और यहाँ पे आपको करना क्या है, ये प्लस का साइन कुछ इस तरीके से बन जाएगा जब आप लाइन को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ ड्रैग करना है और ये लाइन कुछ इस तरीके से खींची हुई दिखाई देगी। आपको शिफ्ट की प्रेस करना है ताकि ये जो है आपकी जो रो वो एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में बने। ओके, नाउ अभी आपको करना क्या है, इसको अभी रिलीज कर दो। जैसे ही रिलीज कर दोगे शिफ्ट की को और कर्सर छोड़ दोगे तो यहाँ पे फॉर्मेट वाली जो टैब है मेनू, उसमें आप चले जाओगे। ओके, नाउ अभी क्या करना है, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वाले बटन पे एक बार क्लिक करो तो यहाँ पे थीम्स स्टाइल्स भी आ गई है। देखो अभी ये आपको अपनी बेस्ड ऑन थिकनेस को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप थिकनेस को सिलेक्ट कर लोगे, ये आपकी थिकनेस ऐसे हो जाएगी। अभी आपको क्या करना है कि दूसरी लाइन भी हमें चाहिए। लाइन को अभी क्या करते हैं, पहले कर लेते हैं एक बार कलर कर लेते हैं। इसको यहाँ पे हमने ये कलर ले दे दिया। उसके बाद आपको यही मेनू पे एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वेटेज दिखाई दे रहा है, वो वेटेज भी आप अपने हिसाब से इसका चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे मोर लाइंस दिखाई देगा, मोर लाइंस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही मोर लाइंस पे क्लिक कर दोगे, कुछ इस तरीके से ये वाली साइड पे एक ये खुल जाएगा पैनल। यहां से आपको अभी करना क्या है, कंपाउंड टाइप में जाके आपको जो दो वाली लाइन है उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट कर लोगे, वो लाइन यहाँ पे डिस्प्ले तो हो गई है पर आपको इसकी साइज कम है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है सिर्फ। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जाके विड्थ की ऑप्शंस को बढ़ाते रहना है। जैसे ही बढ़ाओगे आप इसके ऑप्शंस को, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे बढ़ाता जाता हूँ और यहाँ पे ये आपकी अपडेट होती जाती है। ओके, तो इसी तरीके से आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसका बेस्ड ऑन, आपकी चॉइस के बेस्ड ऑन ये इसको कलर भी चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और अगर आपको पहली लाइन थोड़ी बोल्ड चाहिए, सेकंड लाइन थोड़ी ठीक चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करना है, मेक श्योर एक कंपाउंड टाइप जो वाली जो है फील्ड उसको आपको चेंज ज्यादा करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। डबल लाइन्स आपकी होप आपको आ गया है, सीख गए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो कमेंट जरूर करना, हाँ हमें वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा है। और मैंने मेरी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड, तो आप वो भी मेरी चैनल पे जाके जरूर देखें ताकि ऐसे कुछ वीडियोस है जो आपको इजी फटाफट टाइम सेव करते हैं और आपका काम भी फटाफट हो जाता है। मेक श्योर फ्रेंड्स, ये वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो कर लो अभी ही फ्रेंड्स, मैं ताकि कुछ बहुत सारे वीडियोस ला रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ओके, तो बेल का आइकॉन भी प्रेस कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस आपको जल्द से जल्द नोटिफाई होती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।